सेंट्रिपिटल एस्केलरेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, अभी ध्यान से समझो। सेंट्रिपिटल एस्केलरेशन इज द एस्केलरेशन व्हिच इज कम्स आउट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं। सेंट्रिपिटल एस्केलरेशन इज द एस्केलरेशन व्हिच इज कम्स आउट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो, जब पार्टिकल यहां था तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये था, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा हो गया, और जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड ड्यू टू व्हिच द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज कम्स आउट। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, इसको समझाने की कोशिश करूं, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे समझेंगे। The centripetal acceleration is responsible. That is, centripetal acceleration is responsible to change the direction of velocity. It is called as centripetal acceleration.